कैलकुलेशन ऑफ प्रेशर एंड काइनेटिक एनर्जी। आराम आराम से लिखना छोड़ दो बउआ, इतना आराम से मत लिखो। कैलकुलेशन ऑफ प्रेशर है ना काइनेटिक एनर्जी। क्यूब ऑफ साइड एक क्यूब है जिसका साइड क्या है, ये भी एल 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 है ना, इसमें गैस मॉलिक्यूल भरे हुए हैं, जिसको तुम्हें भरना है भर दो। ऑक्सीजन नाइट्रोजन हीलियम भरे हुए हैं, कैसे सिलेंडर के अंदर भरे हुए रहते हैं। तो मान लो जो भी पार्टिकल्स है, जो भी वो इधर भी जा रहा है, इधर वाला वेलोसिटी क्या होगा एक्स, इधर वाला और इधर जेड को कैसे शो करें, डॉट से, जेड के लिए डॉट बना दो, जेड के लिए। पार्टिकल्स इधर भी जा रहे होंगे, पार्टिकल्स और इधर भी जा रहा होगा, है ना, क्यूब है ना भाई, क्यूब इधर भी है, इधर भी है, और पार्टिकल्स भी इधर जा रहा होगा, इधर जा रहा होगा, और इधर वाला वेलोसिटी एक्स, इधर वाला वाई, इधर वाला जेड, श्योर। और क्यूब ऑफ साइड एल है, मान लो इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स एन है, एन बराबर टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, एन बराबर एन क्या है, टोटल नंबर ऑफ। मुझे क्या करना है, कैलकुलेशन ऑफ प्रेशर एंड काइनेटिक एनर्जी। ये जाके दीवार से टकराएगा, अब सोचो ये दीवार चाहे ये दीवार चाहे ये दीवार, ये दीवार तो आइडेंटिकल ही है ना, क्यों है ना, जो ये दीवार है वही तो ये दीवार है, वही ये दीवार है, वही ये दीवार है, सारे दीवार तो आइडेंटिकल है। प्रेशर कैसे निकाले, प्रेशर किससे आता है, टकराने से, क्या हर बात में रिप्लाई क्या, प्रेशर किससे आता है, टकराने से, पक्का। अच्छा पार्टिकल जाके से टकरा रहा है, तो सारे पार्टिकल सिमेट्रिकल दौड़ रहे होंगे या अनसिमेट्रिकल दौड़ रहे होंगे, अनसिमेट्रिकल दौड़ रहे होंगे। एक क्लासरूम भी तो एक प्रकार का क्यूब ही है, मान लो सब साइड बराबर है, ऐसे तो अगर ये और ये, ये और ये तो बराबर नहीं है, बराबर ही है भाई, मेरा क्लासरूम स्क्वायर है। चल ठीक है, मान लो क्यूब, तुम लोगों को मोटर लगा के छोड़ दिए, टकराओगे कि नहीं टकराओगे, एक दूसरे से दीवार से भी टकराओगे, मान लो ना सब साइड सेम है, क्यूब वार्ड है, अरे क्यूब के जगह क्यूब वार्ड ले लेंगे, थोड़ा कैलकुलेशन बढ़ जाएगा, कैलकुलेशन थोड़ा गुना भाग बढ़ जाएगा बस। अब सोच अगर हम आप लोग गैस के पार्टिकल्स हैं और आपके आपको मोटर लगा के छोड़ दिए, मोटर लगा के तो सिमेट्रिकल दौड़ोगे, सिमेट्रिकल दौड़ोगे, कुछ इधर भागोगे, कुछ इधर भागोगे, कुछ इधर भागोगे, कोई ऊपर भागोगे, वहाँ है ना, बोलो सिमेट्रिकल तो नहीं भागेगा, कुछ एक्स में कुछ वाई में कुछ, हाँ एक चीज सेम है, सिमेट्रिकल मतलब सबकी वेलोसिटी सेम नहीं है, सबकी वेलोसिटी अलग अलग है, किसी भी मोटर लगे धाई 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 धाई, कोई मोटर लगने के बाद मोटर लगा लिया तो चुत रहे, कोई धाई धाई भाग रहा है, आजो फरियाले आजो, किसी में मोटर लगा देते ही वो चौथराट कर रहा, तभी तो वेलोसिटी अलग अलग होगी भाई, है ना। हाँ तो सारे जितने भी पार्टिकल्स अंदर में सबकी वेलोसिटी अलग अलग है, सबकी वेलोसिटी, लेकिन एक चीज है, ऑल द पार्टिकल्स या नंबर ऑफ पार्टिकल्स रिमेन सेम इन अ पार्टिकुलर डायरेक्शन, क्योंकि नंबर डेंसिटी हम लोग पढ़ के आए हैं। अगर 100 पार्टिकल एक्स में दौड़ रहे हैं तो 100 पार्टिकल, 100 पार्टिकल ये सेम है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स रिमेन्स सेम इन अ पार्टिकुलर डायरेक्शन, किसी डायरेक्शन में अगर 100 दौड़ रहे हैं तो 100 ही रहेंगे, चाहे कितनों टकरा जाए, चाहे कितनों, तो टकराहट आपस में भी होगा कि दीवार के साथ होगा। अब मुझे दीवार पे प्रेशर निकालना है, ये बात हम कहना क्या चाह रहे हैं कि 100 ही क्यों रहेंगे, ये मान लिए कि प्रूफ भी है, प्रूफ भी है। देखो मान लो हम यहाँ से चलना शुरू किए और ये दीवार और दीवार के बीच की दूरी एल है, बोल ये दीवार से ये दीवार कितना दूरी पे है, ये दीवार से ये दीवार कितना दूरी पे है, एल दूरी पे है ना भाई, साइड एल है ना, तो एक दीवार से दूसरे दीवार कितना दूरी पे रहेगा। चलो मैं यहाँ पे हूँ,
चले yes, sir. दे, 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 जरूरी है कि हम ऐसे ही आ रहे होंगे? ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अच्छा जल्दी 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 यहाँ पे रखो खड़ा यहाँ पे। एक पार्टिकल है रेडी दे एक आदमी और आ जाओ चल से समझो। हम गए हम इसे टकराए हम इधर चलने लगे अंग्रेज कौन चलने लगा ये मान लो ये यहाँ आके किसी और से टकरा गया और उसकी जगह कोई और चलने लगा। ऐसा भी तो हो सकता है लेकिन एक तो है एक पार्टिकल तो ऐसे चल रहा है मेरे जगह कोई तो पूरा कर रहा है मेरे जगह कोई तो पूरा कर रहा है भाई। अरे बोलो मेरे जगह कोई तो पूरा कर रहा है। हो सकता है कम इससे टकरा किधर हो गए ये इससे किसी और से टकरा किधर हो गया इसके जगह कोई आ रहा है उसके जगह कर रहा है। या तो ऐसे प्रूफ कर लो या मान लो कि हम सीधा जा रहे हैं और आ रहे हैं दोनों से प्रूफ होगा आंसर दोनों से सेम आएगा। इसलिए ये हम लोग बोलेंगे कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स रिमेंस इन अ पार्टिकुलर डायरेक्शन। कोलिजन तो है पार्टिकल्स पार्टिकल्स में भी है और पार्टिकल और दीवार में भी है। तो ये नहीं कि जो पार्टिकल आ रहा वही टकरा के वापस आएगा ऐसा कोई जरूरी मेरे जगह कोई और आएगा उसके जगह कोई और आएगा उसके जगह कोई और आएगा लेकिन जगह पे आएगा तो जरूर। तो या तो अलग अलग कर लो कि हाँ ये टकरा के इधर गया उसके जगह कोई और आया फिर उसके जगह कोई और आया उसके जगह कोई और आया या हम ही को मान लो हम जा रहे हैं और बात आई समझ में। इस डायरेक्शन में भी ऐसे ही हो रहा होगा अरे वाई में भी तो ऐसे ही हो रहा होगा जेड में भी ऐसे ही हो रहा होगा नहीं फिर इधर हो गया होगा नहीं गया और अब मुझे चाहिए चेंज इन मोमेंटम। क्या चाहिए क्यों चेंज इन मोमेंटम चाहिए मुझे निकालना है कि जो पार्टिकल्स टकरा रहा है इस दीवार से इस दीवार पे कितना प्रेशर अप्लाई कर रहा है क्योंकि टकराने से ही प्रेशर आता है टकराने से ही। बोलो प्रेशर क्या होता है फोर्स एरिया। आवाज ही नहीं है तुम लोग के पास। प्रेशर क्या है फोर्स बाय फोर्स की एवरेज फोर्स। एरिया कितना है दीवार का एल स्क्वायर। अरे क्यूब है तो एरिया एल स्क्वायर होगा ना भाई। अरे बोलो ऐसा करो प्रेशर को प्रेशर ही लिखो क्योंकि पी फॉर मोमेंटम भी है कंफ्यूज हो जाओगे। प्रेशर मतलब एवरेज फोर्स का एरिया। एरिया कितना ये दीवार का एरिया कितना होगा भाई। अरे बोलो अब सुन अभी अभी हम इसलिए वाला चीज पढ़ाए थे क्या अगर एवरेज फोर्स निकालना है तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा। एवरेज फोर्स निकालना तो क्या निकालना होगा कितना देर में। तो क्या मैं लिख सकता हूँ एवरेज फोर्स की जगह चेंज इन मोमेंटम इन वन सेकेंड चेंज इन मोमेंटम इन बाय एल स्क्वायर। तो प्रेशर मतलब फोर्स बाय फोर्स में कौन फोर्स एवरेज फोर्स। अरे एवरेज फोर्स मतलब कांस्टेंट फोर्स भाई एवरेज फोर्स डेल्टा पी इन। या तो एवरेज फोर्स निकाल लो या एवरेज फोर्स निकालने के लिए चेंज इन मोमेंटम निकाल लो। जो चेंज इन मोमेंटम होगा एक सेकंड में वही हमारा क्या होगा एवरेज फोर्स। उसको एरिया से डिवाइड दे दो एरिया कितना है वही हमारा प्रेशर होगा। हाँ या ना। अब मैं पार्टिकल्स हूँ या तो तुम मान लो कि हम गए टकरा गए मेरे जगह कोई और आया फिर टकरा किधर हो गया उसके जगह कोई और आया या आसानी से सॉल्व करने के लिए हम ही को मान लो। अच्छा बताओ टकरा के मार रहे हो तो हम ही आ रहे होंगे मेरे जगह कोई और आ रहा होगा। लेकिन ये क्लियर है कि अगर इधर 100 है तो इधर भी 100 मेंटेन रहेगा क्योंकि जितना अंदर पार्टिकल हो तो मेंटेन है भाई। अंदर 300 है तो 300 मान लो हाँ ठीक है सब सिमेट्रिकल नहीं दौड़ रहा है लेकिन एक डायरेक्शन में जितना दौड़ रहा है वो फिक्स होगा क्योंकि एक टकरा के इधर भागेगा उसकी जगह कोई और आएगा उसकी जगह कोई और आएगा उसकी जगह कोई और आएगा। तो एक तो मेंटेन कर रहा है पाथ को। हाँ ना।
या तो अलग अलग कर लो या मुझे ही मान लो कि हम जा रहे हैं और आ रहे हैं। क्लियर? अब मैं जाऊंगा आऊंगा तो पूछूंगा तो जवाब देना। रेडी? डे 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 टू चुक डे टू चुक। बोलो चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, जाना और आना। चेंज इन मोमेंटम, जाना और आना। अभी लिखवाया ना भाई, 2mvx होगा ना, डायरेक्शन x है तो 2mvx, 2m माइनस तो डायरेक्शन है, 2m तो लिख सकते हैं। तो बोलो एक पार्टिकल का चेंज इन मोमेंटम एक कॉलिजन में कितना होगा? 2mvx, 2m। अब वन कॉलिजन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि पहली बार ना यहाँ टकराए, नहीं टकराए, दूसरा कॉलिजन यहाँ होगा, फिर तीसरा यहाँ होगा, और ये क्रिया चलते रहे। तो हम क्या लिख सकते हैं बोलो? बोल, चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम को पी से लिखो या तो इसको डेल्टा पी लिख दो, डेल्टा पी का मतलब ही ना चेंज इन मोमेंटम, या चेंज इन पी लिख लो, ऐसे लिखो चाहे डेल्टा पी लिखो, बतवा। चेंज इन मोमेंटम ऑफ वन पार्टिकल, चेंज इन मोमेंटम ऑफ वन पार्टिकल इन वन कॉलिजन, इन वन कॉलिजन कितना? 2mvx बोलो, 2m, 2m, 2mvx। अब लिखना मत, आराम से लिखना। चेंज इन मोमेंटम ऑफ वन पार्टिकल इन वन कॉलिजन कितना? 2m। यही y मिलेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? पहले x में निकालते हैं फिर y z में रिप्लेस करेंगे, z में होगा तो 2m। अच्छा बताओ, ये तो हो गया चेंज इन मोमेंटम कितना पार्टिकल का? एक पार्टिकल। कितने कॉलिजन में? एक कॉलिजन। बताओ हम गए आए, गए जाने आने में कुछ तो टाइम लिए होंगे, क्या होगा वो टाइम? टाइम बताओ। अच्छा बताओ, ये जो चेंज इन मोमेंटम है किसी टाइम में कि एक सेकंड में है? एक सेकंड में है, घड़ी सीमा पर है। कैसे एक सेकंड बोल दिया? किसी टाइम में है। वो कौन टाइम है? टाइम होता है डिस्टेंस बाय स्पीड। टाइम क्या होता है? ये दीवार से उस दीवार के बीच की दूरी L, क्यूब है ना। एक दीवार से दूसरे दीवार के बीच की दूरी कितना है? L। तो मैं जा रहा हूँ आ रहा हूँ, और आपको टाइम निकालना है, यहाँ पहुँचते पहुँचते टाइम आ जाना चाहिए। रेडी? देखो देखो देखो, चौथर के स्ट्रोक बाद से निकालना है, तो मेरा स्पीड निकालना है। रेडी? रेडी स्टार्ट करें। डी बोलो टाइम कितना? कितना पीटेंगे ना कि तीन या पांच बोलता ही रह जाओगे जीवन। तुम लोग फॉर्मूला बताए ना यार, टाइम बराबर डिस्टेंस बाय स्पीड, तो गए एल तो आए भी, टोटल डिस्टेंस कितना होगा? 2l। स्पीड कितना? vx। तो टाइम 2l बाय vx होगा ना, टाइम 2l बाय vx होगा ना। तो मेजर किया कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो तुम तीन सेकंड बोल दिया। फालतू मत किया करो हरकत। बोलो एक कॉलिजन से दूसरे कॉलिजन में कितना टाइम लगा? टाइम बिटवीन टू कॉलिजन, टू क्यों लगा? क्लियर है? जाना गए तो एक कॉलिजन,
और फिर इससे टकराए दो गोले, गए एल तो आए भी, टोटल डिस्टेंस कितना, जीरो की टूएल एल प्लस एल बाय स्पीड, बोलो टूएल बाय, श्योर? अब सोच, अगर मुझे एवरेज फोर्स निकालना है तो मुझे चेंज इन मोमेंटम निकालना होगा टी टाइम में कि एक सेकंड में? महा चौथा सब है तुम लोग, 10 इकाय लिखवा रहे तुम लोगो, इकाय बेसिक लिखवाए एवरेज फोर्स, आंसर सामने है तैयो कुछ बोल देना है अगला। कभी रह के देखो, कभी रह के देखो, मेरे रूप में सोच के देखो कि इतना बेसिक को क्या है, हम यहीं से क्या ने शुरुआत की है, क्या जरूरी था ये पढ़ाना, क्या जरूरी था ये बताना, जरूर था वहीं से शुरुआत करते, लेकिन नहीं, हमने यहाँ से शुरुआत किया, ये भी बता दिया कि जवाब दो, रिप्लाई। अभी तक तो जान गए होगे भाई, सब जगह पढ़ते हो, ऑनलाइन पढ़ा है, सब जगह देख लिए हो, मुझे भी जान गए हो, मेरा अपना तरीका है, मेरा अपना जोन है, उस जोन में जवाब दो ना, या जान दो कि हम हर बात में रिप्लाई चाहते हैं, मुझे हर बात में एनर्जेटिक रिप्लाई उधर से चाहिए, हर बात में जवाब चाहिए, मुझे चुप्पा टाइप का क्लास अच्छा नहीं लगता, जवाब चाहिए मुझे, क्लियर? फिजिक्स का मतलब जिंदा भाई, टीचर भी जिंदा, स्टूडेंट भी जिंदा, ना तो फिजिक्स का मतलब ही नहीं है, फिर तो रट के पास हो जाइए, नहीं हो पढ़ने वाला 400 नंबर लाता है बिहार बोर्ड में, है कि नहीं? ये क्या है, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन कितने पार्टिकल का, कितने कोलिजन में, ये टाइम है, ये क्या है, टाइम है, एक कोलिजन से दूसरे कोलिजन में एल जाना और एल। अब सिंपल सोच, ऐसे भी तुम बुद्धि लगाओ ना कि 6 रुपया में 17 केला तो 1 रुपया में कितना लीजिए, वो दिक्कत है भाई। ₹6 में 17 केला, 1 रुपया में 13 रुपया में 17 × 6 भाई 13 है ना, तो वही तो है भाई। बोलो, टूएल्व बाय बी एक्स क्या है, एक कॉलेजन से दूसरे कॉलेजन में टाइम, फिर आवाज कम आ रहा है, टूएल्व बाय बी एक्स क्या है, एक कॉलेजन से इस टाइम में जो चेंज इन मोमेंटम आया वो आया 2 mvx। बोलो इतना टाइम में, बोलो चेंज इन मोमेंटम इतना, तो एक सेकंड में 2 mvx बाय 12 बाय bx, bx ऊपर चला जाएगा, बोलो इतना टाइम में चेंज इन मोमेंटम इतना, तो बोलो एक सेकंड में इतना बाय इतना 12 बाय bx, bx ऊपर चला जाएगा, m से m, दो से दो, तो एम बी एक्स स्क्वायर बाई एल है ना। ये क्या है, चेंज इन मोमेंटम ऑफ वन पार्टिकल इन वन सेकेंड, क्लियर? यही समझा रहे थे, बात समझ में आया ना, इतना में इतना, तो एक में क्यों एक में निकालें, जल्दी बोल, मुझे क्या चाहिए, प्रेशर, प्रेशर के लिए क्या चाहिए, एवरेज फोर्स, एवरेज फोर्स क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम कि चेंज इन मोमेंटम इन वन सेकेंड, क्या लिखेंगे जल्दी बोलो, ऑब्जर्व करो, ऐसे थोड़ी हम कुछ नया पूछते हैं, कोई भी चीज पढ़ाते हैं वही चीज पूछ रहे हैं, और प्लस ऐसा हो ही नहीं सकता है कि कोई चीज का बेसिक बिना बताए हम शुरुआत कर सकते हैं। कोई चैप्टर तुम अगर टॉपिक वाइज पढ़े हो तो तुम देखा होगा कि टॉपिक बताने से पर से हम जितना बेसिक होता है बता ही देते हैं, 5 बार तो बोल ही देते हैं, चेंज इन मोमेंटम ऑफ वन पार्टिकल, चेंज इन मोमेंटम ऑफ वन पार्टिकल कितना देर में, इन वन सेकेंड, कितना बोलो बोलो, जल्दी बोलो, कितना हो जाएगा, डिवाइड कर देंगे, क्या कर देंगे, डिवाइड 2 mvx, 2m बाय 12 बाय bx, bx ऊपर चला गया, कितना आया,
एम बी स्क्वायर बाई, तो बताओ ये है चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन कितने पार्टिकल का, कितने देर में, पक्का। अच्छी बताओ और भी पार्टिकल एक्स में दौड़ रहे होंगे क्या, अकेला दौड़ रहा है, और भी पार्टिकल दौड़ रहे हैं ना, तो चेंज इन मोमेंटम ऑफ वन पार्टिकल इन वन सेकेंड अलोंग एक्स, अलोंग। अब बताओ दूसरा जो एक्स में दौड़ रहा है उसका वेलोसिटी वी एक्स या कुछ और, यही होगा या कुछ और होगा स्पीड, कुछ और होगा। से एक का वी एक्स वन तो दूसरे का, तीसरे का, चौथे का, पांचवें का, क्लियर। तो बोल अब मैं लिखूं टोटल चेंज इन मोमेंटम सारे पार्टिकल का लेते हैं, अभी तक एक का ले रहे थे अब सारे का लेते हैं। टोटल चेंज इन मोमेंटम, टोटल चेंज इन ऑफ पार्टिकल्स, ऑफ पार्टिकल्स कितना देर में, वन सेकेंड में, इन वन सोच। इसको क्या लिख सकते हैं, इसमें क्या सेम रहेगा सबके लिए, क्या एम सेम रहेगा सबके लिए, देखा यो में शक है, एम सेम नहीं रहेगा सबके लिए, पार्टिकल्स आइडेंटिकल है ना भाई, एल सेम रहेगा, हाँ भाई दो दीवार के बीच की दूरी तो एल ही है, क्या सेम रहेगा, क्या बदलेगा, तो बोलो एम बाय एल कॉमन हो जाएगा, एम बाय एल अंदर में एक के लिए वी एक्स वन स्क्वायर, दूसरे के लिए ऐसा ही कितना, ऐसा ही कितना, ऐसा ही कितना वी एक्स एन स्क्वायर, हाँ या ना। ये हो गया टोटल चेंज इन मोमेंटम ऑफ पार्टिकल्स इन वन सेकेंड। क्या टोटल चेंज इन मोमेंटम एक सेकेंड में ही तो फोर्स है, यही तो हमारा पूरा फोर्स है भाई, टोटल चेंज इन मोमेंटम ये एक सेकेंड में, यही तो एवरेज फोर्स है, डेट मीन्स यही तो एवरेज फोर्स है, यही तो एवरेज फोर्स है हमारा, यही तो हमारा एवरेज, डेट मीन्स हम जो लिखे हैं अभी ये क्या है, एवरेज फोर्स है, यानी ये एवरेज फोर्स है, और एवरेज फोर्स की जगह हम ये रख सकते हैं, एवरेज फोर्स की जगह हम ये आराम से रख सकते हैं, ये एवरेज फोर्स है ना, और करके लिख सकते हो या सीधे यहाँ एवरेज लिख दो, कोई दिक्कत नहीं रखने में। लेकिन हम सारा वेलोसिटी किधर लिए हैं, पार्टिकल सिर्फ एक्स में जा रहा है कि वाई में भी जा रहा है, जेड में भी जा रहा है। सोच मैंने शुरू में एक लाइन बोला था, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ रिमेंस कॉन्स्टेंट इन पार्टिकुलर डायरेक्शन, हाँ या ना। सोच एक पार्टिकल अगर एक्स में तीन से जाएगा तो वाई में भी तीन से जाएगा, जेड में भी तीन से जाएगा। दूसरा पार्टिकल अगर x में चार से तो y में भी, z में भी, ये बात आया समझ में, हम और ये एक की अलग, देखा नहीं अलग है, तो वहां पार्टिकल भी अलग है। बोल मेरा वेलोसिटी x, y, z में से, इसका वेलोसिटी लेकिन हमसे डिफरेंट, क्योंकि सब तो अनसिमेट्रिकल दौड़ रहे हैं, तो मेरा अलग इसका भी अलग। मेरा क्या सेम, इससे सेम कि डायरेक्शन में सेम, यही तो समझाना चाह रहे थे। इसका क्या सेम, मेरे से सेम कि डायरेक्शन में सेम, ऐसे ही सबका, ऐसे ही सबका, एक दूसरे में सेम कि आपस में डायरेक्शन में सेम, यानी एक का जितना एक्स में होगा उतना ही फिर दूसरे का जितना एक्स वाई जेड में होगा, लेकिन आपस में सेम, आपस में सेम, ये बात आ रही समझ में। अब क्या करेंगे हम, तो भाई आसानी के लिए एक्स में मान लिया तो वाई जेड भी लेना पड़ेगा, लीनियर मोशन है या थ्री डी मोशन है, अंदर में रेंडमली चल रहा है भाई एक्स वाई जेड, सोच अंदर में टकरा के कोई तिरछा भी जा रहा होगा, टकरा किधर जा रहा होगा, उसके जगह दूसरा पूरा कर, तब ना हम लोग ऐसे मान ले कि एक्स में जा रहा है और एक्स में
क्योंकि एक डायरेक्शन में जितने पार्टिकल्स होंगे कॉन्स्टेंट होंगे, हाँ या ना, है ना। चलिए अब क्या करते हैं, इसको हम लोग एक्स में लिखें तो वाई में भी लिखेंगे, और अच्छा क्या इसको आसान करने के लिए एम बाय एन, अगर एक ही चीज बहुत बार लिखा हो तो समेशन का यूज करते हैं, पढ़ा होगा टेंथ में, क्या इतना लिखेंगे, लिख सकते हैं समेशन ऑफ बी एक्स स्क्वायर, ये दोनों में अंतर क्या है। अरे भाई ये और ये एक ही है कि अलग है, एक ही है। अगर एगो पार्टिकल होगा तो एक बार लिखेंगे, दो होगा तो, तीन, चार, पांच, वही तो है। समेशन यूज होता है कि आसानी के लिए हम लोग लिख देते हैं, यूज तो होता है नहीं, कभी सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है फिजिक्स में, खासकर जगह बचाने के लिए लिख देते हैं, सिंपल सोच लो क्या एक चीज को बार बार लिखे। मान लो क्लास में हम लड्डू बटवाए, क्लास में हम ये छह को खाया, ये सात को खाया, ये खाते जा रहा है, वो गिन ही नहीं रहा है, दे ले जा रहा है, कोई दस को खाया, कोई बारह को खाया, कोई खाई हो रहा है, बैगों में रख रहा है, गौरे ले जाएंगे। हमने 2000 लड्डू बटवाया, हमने क्या बटवाया बोलो, क्लासरूम में लड्डू की संख्या समेशन ऑफ 2000, समेशन ऑफ क्या, अलग अलग लिखेंगे, इतना खाया हरिया के बेटा करिया, इतना खाया लखना, इतना खाया चोखा, इतना खाया, हम सीधे लिख देंगे समेशन ऑफ 2000 इन क्लासरूम, है ना, वही तो 2000 लड्डू बटा भाई, सही है ना। अब सोच ये सिर्फ एक्स में है ना, अब ऐसा करना है कि वाई में भी हो जाए, और आइए इधर आइए, क्या मैं लिख सकता हूं समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर बराबर समेशन ऑफ हाँ या ना, क्या सही लिखा हुआ है, हाँ। एक पार्टिकल का एक्स में जो होगा वही वाई में होगा, वही एक पार्टिकल का जो एक्स में होगा वही वाई में होगा वही। अब इसको तोड़ो, बराबर होगा ना, स्क्वायर क्यों लगा, क्योंकि स्क्वायर आया है। अब बोलो एक पार्टिकल का वेलोसिटी तोड़ो, बताओ कोई एक पार्टिकल है जिसका वेलोसिटी v1 है, इसको कितने भाग में तोड़ोगे, एक दो की तीन, बोलो पहला पार्ट क्या होगा vx1 स्क्वायर, दूसरा पार्ट क्या होगा vx2 की vy ना, बोलो ऐसे से कितने पार्टिकल्स, बुआ ध्यान दो बहुत सारे टर्म्स आएंगे, ऐसे एक ऐसा प्रूफ निकलेगा जो 12th में अल्टरनेटिंग करंट पर होगा तो वहां सेम यूज होगा, एकदम कॉन्सेंट्रेट रिप्लाई उधर से करते रहो, बहुत सारे टर्म अभी आएंगे, एकदम ध्यान शांति से सुनना, एक भी पॉइंट गड़बड़ हुआ गया। बोलो ये क्या है, एक पार्टिकल का वेलोसिटी तीन भाग में क्यों तोड़े, रिजल्टेंट क्या होता है भाई, अगर मैं 3 डायमेंशन मूव कर रहा हूँ x में 4 से, y में भी 4 से, z में भी 4 से, तो रिजल्टेंट क्या होगा, रूट अंडर सबका स्क्वायर, वही तो है। बोलो एक पार्टिकल का वेलोसिटी तो वो कितना x में हो, कितना y में, और कितना ऐसे ही कितना बोलो दूसरे के लिए क्या होगा, v2 स्क्वायर बराबर vx2 स्क्वायर प्लस vy2 स्क्वायर प्लस v, और ऐसे से कितने सो ऑन एन तक, हाँ है ना। बोलो इसको हम क्या लिख सकते हैं, समेशन ऑफ v स्क्वायर, समेशन ऑफ v स्क्वायर मतलब रिजल्टेंट ऑफ एक पार्टिकल की पूरा, समेशन ऑफ v स्क्वायर मतलब रिजल्टेंट ऑफ ऑल पार्टिकल, है ना भाई, इसी को ना हम ऐसे लिख सकते हैं। बोल तीन पार्टिकल होगा इसको कितना बार तोड़ेंगे, चार, पांच, बोल इसको क्या लिख सकते हैं, जल्दी बोल समेशन ऑफ vx स्क्वायर, समेशन ऑफ आई तो आपस में सेम है, ये समेशन ऑफ vx स्क्वायर, समेशन ऑफ तीनों सेम है, इसको लिख सकते हैं 3 times ऑफ समेशन ऑफ vx स्क्वायर, क्योंकि सब तो सेम है। अब माने तो एक्स में लिख दो, माने तो क्योंकि एक पार्टिकल का जो वेलोसिटी एक्स में होगा वही वाई में होगा, और वही
क्लियर? वो तो समेशन ऑफ वी स्क्वायर क्या है? समेशन ऑफ वी स्क्वायर इज द रिजल्टेंट ऑफ ऑल रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ ऑल पार्टिकल. उसको तीन भाग में तोड़ेंगे, उसको रिजल्टेंट एक्स में, रिजल्टेंट 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 तो सेम है, इंडिविजुअल अलग अलग है. रिजल्टेंट जितना एक्स में होगा उतना ही वाई में होगा उतना ही. तो बताओ ये हो जाएगा समेशन वी स्क्वायर, ये समेशन एक्स स्क्वायर वाई जेड, तीनों सेम है तो थ्री टाइम्स ऑफ समेशन एक्स स्क्वायर है ना. बोल यहाँ किस में निकाले थे? क्या यहाँ से समेशन एक्स स्क्वायर निकाल सकते हैं? बोलो समेशन एक्स स्क्वायर यहाँ से कितना होगा? इतना ना छोटा कर दिए कि अब ऐसे ही रहेगा. चलो यहाँ से निकाल, ये दिख रहा है ना एकदम 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 है ना. एनर्जी बांध ही रखना हो एनर्जी थ्री टाइम्स ऑफ समेशन क्यों यूज कर रहे हैं? ताकि लाइन बड़ा लिखते लिखते प्राण प्राण उड़ जाएगा लिखते लिखते, है कुछ नहीं इसलिए. क्लियर? कैसे शादी ब्याह में छह गो मौसा आए लें तो क्या है छह गो मौसा का नाम लोगो मौसाओ आइए तो मौसा जाएंगे. छह गो फूफा आए लें तो फूफा को अलग करके बुलाओगे, फूफाओ आइए सब फूफा आ गए वही बात. ओहो हाँ बोलो समेशन ऑफ बी एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? ये थ्री बटे में आएगा. बोलो क्या हो जाएगा? समेशन ऑफ बी स्क्वायर बाई थ्री, समेशन ऑफ बी स्क्वायर बाई, बोलो ना बोलो ना बोलो ना. मस्त. बोल मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? एवरेज फोर्स बराबर एम बाई एल. एवरेज फोर्स बराबर बोल समेशन ऑफ बी स्क्वायर क्या है? समेशन ऑफ बी स्क्वायर समेशन ऑफ समेशन ऑफ मजा आ गया. एम बाई एल समेशन ऑफ बी स्क्वायर. अब बोल ये भी किधर है? एक्स में वाई में जेड में कि तीनों में? ये रिजल्ट है ना भाई. अच्छा क्लियर? अब क्या करेंगे? मुझे क्या चाहिए? प्रेशर. क्या चाहिए? प्रेशर क्या होता है? एवरेज फोर्स एरिया. क्या मुझे एवरेज फोर्स मालूम है? एरिया मालूम है, उसका डिवाइड कर देंगे आ जाएगा. फिर वहीं से काइनेटिक निकाल लेंगे. लिखो इसको जल्दी, बड़ा करना पड़ेगा. दिख रहा है तो करो. आए नहीं चल रहा है? बड़ा करना पड़ेगा कि दिख रहा है? नहीं पागल है क्या? जल्दी पहले डायग्राम बनाओ फिर कर देंगे. जल्दी लिखो. ऑन करो ना इसे. स्विंग नहीं चलेगा तो कैसे होगा? जाओ रुक बोल देते हैं. अरे तो रिमोट है, लो स्विंग ऑन करो. पिछले से वो ऑन कर खराब हो गया. चला ऑन कर दो, स्विंग चलाओ, लो रिमोट लो स्विंग चलाओ. चला दो स्विंग इधर. ये क्या लगाया हुआ है? एयरफोन निकालो. क्लास से एयरफोन लगाओ ही मत, सब का एयरफोन छीन के बेच देंगे हम. स्विंग लिखा होगा देखो ना, नहीं पता चल रहा है. स्विंग रहेगा बंद तक. हाँ ठीक, अब देखो तुरंत ठंडा कर देगा. आए पंखा हाथ में धैले रहेंगे, ऐसे नहीं करेंगे तो कैसे ठंडा लगेगा? ये वही बात है, पंखा धैले है. मम्मी गर्मी लग रहा है, या सुदूर देहात में माई के गर्मी लग रहा है. लाओ रिमोट लाओ तो बचाओ.
तीनों दूध हुआ सर्विसिंग हो गया, एक बार ट्रोल शुरू होने से पहले एक बार सर्विसिंग करवा देंगे, क्या है नहीं ठंडा, स्विंग बंद रहेगा तो कैसे ठंडा करेगा, और खिड़की बंद रखो एकदम, कर दे छोटा, अरे भाई जल्दी करो ना, संडे को क्लास है 4 से 7, जैसे रूटीन है संडे को, क्लियर, संडे को ये पिछला डीपीपी बना, वैसे भी आज ऑडियो जाएगा ही, परसों वाला डीपीपी एकदम कॉपी से उठा के डाला गया, मतलब कॉपी से उठा के मतलब कॉपी बेस्ड, सारा थर्मल एक्सपेंशन का क्वेश्चन है, एगो 14 नंबर क्वेश्चन बनाना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन होगा, तो दो गो प्लेट है और भी किधर मुड़ेगा, बायोमेटालिक पढ़ाए थे ना, और नीचे कोल्ड बाथ रखा हुआ, मस्त क्वेश्चन है, तो परसों 4 से 7 क्लास है, पहले या तो पहले डिस्कस करके पढ़ा देंगे या पहले पढ़ा के अब लास्ट में डिस्कस कर देंगे, खा पी के बुलंद हो गया ना, मिस मत करना, उसी दिन थर्मोडायनेमिक्स भी स्टार्ट हो जाएगा, मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि संडे को ये खत्म करके थर्मोडायनेमिक्स से स्टार्ट कर देंगे हम, क्लियर, मेरी पूरी कोशिश रहेगी, लिख लेना, दिख रहा ना कैसे लिखना है, ये वाला ठीक तो है, अरे इन सेकंड मतलब वन है ना हुआ भाई, लो वन लगा दो, लो लो लो, तुम भी क्या याद रखोगे मुझे, हम नहीं चाहते कि तुम भूलो, डेल्टा पी इन सेकेंड या वन एक ही ना हुआ भाई, लो चलो, तो अगर एक बार समराइज करना हो तो हम लोग के दिमाग में क्या आना चाहिए, जल्दी से बोल दो, क्या लिए, क्यूब, क्यूब का साइड एल, सारे दीवार आइडेंटिकल है, क्योंकि जितना प्रेशर इधर होगा उतना ही, इतना ही, उतना ही, उतना ही, उतना ही, चारों तरफ दीवार है भाई, बोलो, चेंज इन मोमेंटम ऑफ वन पार्टिकल इन वन कोलिजन, 2mvx, 2m, 2m, टाइम 12mvx, एक सेकंड में निकालने के लिए क्या करेंगे, मोमेंटम को टाइम से डिवाइड कर देंगे, है ना, तो बोलो, एक पार्टिकल का एक सेकंड में जो चेंज इन मोमेंटम आया था वो आया था mvx2l, टोटल के लिए क्या करेंगे, m बार तो सब में सेम होगा, एक का x में vx1, दूसरे का x में vx2, ऐसे ही कितना n, अच्छा उसको हम सोचे कि बहुत बार लिखा हुआ है, क्यों ना समेशन लिख दे, क्यों ना, अब x में भी है y में ही है, तो हम क्या बोले थे, नंबर ऑफ पार्टिकल इमेज कांस्टेंट इन अ पार्टिकुलर डायरेक्शन, जितना x में होगा उतना y में उतना, देखो यहाँ z लिखा हुआ है, v भी लिखा होगा ना, कुछ छुटा हुआ था ना, वी जेड स्क्वायर ना, बोलो बोलो, एक का x में भी y में भी और फिर दूसरे का x में y में और सबका समेशन क्या होगा, समेशन भी स्क्वायर, खिड़की खोलना दो यार, समेशन, समेशन, बोलो इसका समेशन x स्क्वायर, समेशन, समेशन, तीनों सेम होगा,
तीनों क्यों सेम है, क्लियर है ना? क्योंकि रिजल्टेंट सेम होगा, एक्स में वाई में, और क्या बदलेगा? इंडिविजुअल पार्टिकल की वेलोसिटी, हाँ है ना? एक का एक्स वाई जेड सेम होगा लेकिन वो दूसरे से डिफरेंट होगा, हाँ है ना? ये ओवरऑल बोल दो, रिजल्टेंट सेम होगा, जितना रिजल्टेंट वेलोसिटी एक्स में होगा उतना ही क्यों, क्या सेम है? नंबर ऑफ पार्टिकल, हाँ है ना? इधर 100, इधर भी 100, इधर भी। अब इसको एरिया से डिवाइड दे दो, एरिया से बोलो, इसलिए प्रेशर क्या होगा, ओपन कर दो, है ना? खिड़की ओपन कर दो, प्रेशर फोर्स बाय फोर्स कितना लाएंगे, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, एम बाय एल समेशन ऑफ बी स्क्वायर बाय थ्री की समेशन बी स्क्वायर बाय थ्री बाय एल स्क्वायर, क्या होगा प्रेशर? एम, ये एल और एल स्क्वायर, एल थ्री हो जाएगा, हाँ है ना? बोलो ना, समेशन बी स्क्वायर बाय थ्री। मुझे अकेला छोड़ दो, छोड़ दो अकेला मुझे, हाँ सर आप इसी लायक हैं, आप अकेले ही रहने लायक है। एल ओ स्क्वायर क्या होगा? एल थ्री मतलब वॉल्यूम, क्यूब का वॉल्यूम क्या होगा? एल 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 वॉल्यूम ना, मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम, डेंसिटी आ गया, डेंसिटी, डेंसिटी में बदल लेंगे, ठीक है? दे एल थ्री कैसे है, क्लियर है? एल और एल स्क्वायर ये वॉल्यूम है, बोलो, अरे बोलना, कुछ जवाब नहीं देना है, खाली खाने में आगे रहना है। बी से भी, बी से भी अगर हम कार दे तो लोग लिखियो लेगा, ये वॉल्यूम है और ये, ठीक। आप जवाब देना सोच समझ के, नहीं तो चुप पे रहना, आज पहली बार बोल रहे हैं कि चुप पे रहना, आए रिकॉर्डे हो गया, आज तक कभी नहीं बोलेंगे चुप रहो और रिप्लाई करो। यहाँ तक पहुँच गया, क्लियर है? एम मास, बी वॉल्यूम, वेलोसिटी, बोलो, एक्स में, वाई में, जेड में, के तीनों में, थ्री का मतलब थ्री ना भाई। क्वेश्चन, एम क्या है, किसका? एक का कि सब का? एक का कि सब का? एक का कि सब का? एक का। ये ला बोले थे तो चुप रहना, तो नहीं बोलना है, क्या महकावे तुम लोग, महकावे वो नहीं किया, तीसरे चीज कर दिया, महकावे वो नहीं किया, महकाने से भी ज्यादा हो गया। एक का ना भाई, सब का है, ये एक पार्टिकल का मास है भाई, ये सब में सेम था तो कॉमन चल रहा है ना, मास तो कॉमन ले लेते, सब में एक का ना बात कर रहे हैं भाई, कितना का? अब क्या करें, अगर एन से मल्टीप्लाई कर दे तो अब तो सबका हो गया। अब बोलो एन माने, नाना जी नंबर ऑफ, नंबर ऑफ एम माने किसका? अब ये टोटल मास हुआ, अब ये टोटल मास हो गया, चूंकि एन ऊपर मल्टीप्लाई किए हैं तो यहाँ भी हमें लिखना पड़ेगा, हाँ है ना? क्लियर, ताकि हम एक बेहतरीन रिजल्ट पे पहुंचे। व्हाट इज एन एम? नंबर ऑफ टोटल पार्टिकल्स, एम माने एक का मास, ये हो गया टोटल मास, ये हो गया, बोलो टोटल मास बाय वॉल्यूम क्या होगा? सॉरी टोटल मास बाय वॉल्यूम, ये एम्प्टी ना, व्हाट इज एम्प्टी? थ्री को बाहर ले लो, थ्री को बाहर ले लो ना, थ्री को वन बाय थ्री, टोटल मास है ये, टोटल मास में वॉल्यूम, टोटल मास में वॉल्यूम, टोटल मास में वॉल्यूम, क्या बचा? समेशन ऑफ बी स्क्वायर बाय, इसको तुम ध्यान से करो ना, तुमको फील आएगा। अगर बहुत सारा वेलोसिटी हो उसको जोड़ के अगर एन से डिवाइड करते हैं तो क्या कहलाता है? एवरेज।
क्या कहलाता है वो? जैसे मान लो छह बॉडी है, छह बॉडी दौड़ रहा है, उसका एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालते हो? पहले का प्लस दूसरे का प्लस तीसरे का प्लस चौथे पांचवा छठा बाय छह लग रहा है ना, उसी फॉर्म में है, उसी फॉर्म में लग रहा है ना, तो बेहतरीन चीज फील करवाते हैं। करवाओ बताओ एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? एवरेज को मीन भी बोल सकते हैं, बोलो मीन। मीन को लिखने के लिए हमें कोपचा सिखाया था ना लिखना, भी कोपचा। अरे ऐसे या तो एवरेज ऐसे लिख दो एवरेज, या तो एबीजी लिख दो या ऐसे बंद कर दो, ये भी एवरेज का साइन है ना, या कहीं कहीं ऐसे भी, ये तीनों एवरेज का साइन है। भी एवरेज, भी एवरेज, भी एवरेज, जो लिखना है मानना तो लेटर में लिख दो या कोपचा लगा दो। वी वन प्लस वी टू प्लस कहाँ तक? बाय एन, बाय ये हो गया मीन वेलोसिटी। ये क्या हो गया मीन वेलोसिटी ना? अरे एवरेज मीन एक ही ना होता है भाई। क्या ये किसी भी सिस्टम का एवरेज वेलोसिटी है या मीन? बोल अगर हम इसको स्क्वायर करें तो क्या होगा? वी वन स्क्वायर प्लस वी टू स्क्वायर डॉट डॉट बाय एन, दोनों में क्या अंतर है? ये मीन वेलोसिटी, ये स्क्वायर का मीन वेलोसिटी है ना। दोनों में अंतर क्या है? पहला है वेलोसिटी का मीन वैल्यू यानी मीन वेलोसिटी, अरे एवरेज का ही दूसरा नाम मीन होता है, मीन बोलो मीन वेलोसिटी। दूसरा क्या है? स्क्वायर ऑफ मीन वेलोसिटी है ना। दोनों अंतर है ना। पहला में आंसर कैसे निकालेंगे? सबको जोड़ के उतना से डिवाइड दे देंगे। दूसरा में स्क्वायर करके जोड़ के निकालेंगे। आप सोचो क्या अंतर है? ये जो सब इस सब टर्म यूज हो रहा है ना, पूरा केटीजी इसी टॉपिक पर आधारित है जो आज पढ़ा रहे हैं। ये पूरा आगे जो भी समझोगे इसी से रिलेटेड, आइए कनेक्ट, ये थर्मोडायनेमिक्स में भी काम आएगा, ट्वेल्थ में भी काम आएगा। ये भी जो पढ़ा रहे हैं ट्वेल्थ में सेम टू सेम पढ़ोगे अल्टरनेटिंग करंट में। मीन वेलोसिटी बोलो, मीन मतलब स्क्वायर करके मीन निकाले। यहाँ देखो रूट मीन स्क्वायर, रूट मीन तीन चीज है, या पहले ऐसे कर लो, पहले स्क्वायर किए, पहले फिर मीन निकाले, फिर रूट में डाले। इसको बोलेंगे वी आर एम एस। ऐसे वेलोसिटी को क्या बोलते हैं? वी आर एम एस। वी आर एम एस मतलब रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। रूट मीन, रूट मीन, पहले क्या करो, पहले क्या करो, फिर क्या निकालो, फिर कहाँ डालो, क्या करो, क्या निकालो, कहाँ डालो, तो बोल इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? रूट में डालेंगे इसको, वी वन स्क्वायर प्लस वी टू स्क्वायर डॉट डॉट बाय। इस पूरे सिस्टम को हम लोग क्या बोलेंगे? ये अंतिम वाला को घेर के हम लोग क्या नाम देंगे? जल्दी बोलो, बोलो बोलो बोलो। वी आर एम एस क्या नाम देंगे? रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। रूट मीन, रूट मीन, तीन चीज इसमें है। पहले क्या करना है, फिर कहाँ डालना है, ये वही चीज है। देखो ये वही चीज है, ये भी आर एम एस है। क्या है ये? देखो ये पूरे के जगह क्या लिख सकते हैं? भी आर एम एस। अरे भी आर एम एस है। आप सोच रूट को इधर ले आओ, रूट को देखो ये पूरा क्या है, रूट को इधर लाओ तो भी आर एम एस का स्क्वायर है ना। बोलो ना, आइए क्या बचा? वी वन स्क्वायर प्लस वी टू स्क्वायर प्लस
समेशन ऑफ वी स्क्वायर है, समेशन ऑफ बाय एन, समेशन ऑफ वी स्क्वायर बाय एन क्या हो जाएगा? इसका एक नाम दिया गया जिसका बहुत यूज है और उसका एक बहुत बड़ा मीनिंग आने वाला है, वन बाई थ्री रो आई पूरा क्या है, वी स्क्वायर आर एम एस। व्हाट इज आर एम एस? रूट मीन स्क्वायर। जो भी वेलोसिटी होगा पहले उसका क्या करेंगे, स्क्वायर, फिर उसको कहाँ डालेंगे, मीन, फिर कहाँ डालेंगे। जैसे मान लो हम बोलेंगे अंदर में 6 पार्टिकल्स है और सब मूव कर रहा है, कोई एक से, कोई दो से, कोई तीन से, चार से, पांच से, छह से, बोलेंगे बताओ मीन वेलोसिटी निकालो, ऐसे निकालेंगे सबको जोड़ के 6 से डिवाइड कर देंगे। हम बोलेंगे बताओ स्क्वायर ऑफ मीन वेलोसिटी, तो पहले सबको स्क्वायर करके जोड़ के 6 से डिवाइड देंगे। हम बोलेंगे आरएमएस बताओ, तो सबसे पहले क्या करेंगे, स्क्वायर, फिर जोड़ के 6 से डिवाइड करेंगे, रूट में डालेंगे। हाँ यार ये हो गया, ये पूरा क्या है, क्योंकि ये पूरा भी स्क्वायर आरएमएस है, तो तुम रूट को इधर ले आओ। अरे ये भी आरएमएस है ना भाई, रूट को यहां लाओ तो स्क्वायर होगा। ये क्या है, समेशन ऑफ वी स्क्वायर बाय एन, समेशन ऑफ वी स्क्वायर बाय एन, वी स्क्वायर आरएमएस। तो जो अंदर में पार्टिकल्स है, जो अंदर में टकरा के कितना प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है, 1/3 रो वी स्क्वायर, जहां रो क्या है, वी स्क्वायर आरएमएस, रूट मीन स्क्वायर। इसका वंडरफुल मीनिंग आने वाला है, चमत्कारिक मजा आने वाला है, जल्दी लिखिए। केमिस्ट्री में भी पढ़े होंगे आप, क्लियर, केमिस्ट्री में भी पढ़े होंगे, सेम टू सेम, क्लियर। सर प्रूफ किए थे कि सीधे फॉर्मूला लिख दिए थे, सीधे फॉर्मूला लिख दिए थे, प्रूफ से फील आ गया पूरा के गलाने, क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसको इधर ब्रेकर में लिख लेना। अथवा जल्दी यहां से आगे लिखो, एवरेज फोर्स बाय एरिया का स्क्वायर, सॉरी एरिया ही प्रेशर है ना, यहां से आगे लिखो ना, ये इधर लिखो और ये ब्रेकर में लिख देना। नहीं लाइन नहीं आया क्या, फैन चलाना लो, फैन थोड़ी इन्वर्टर पे नहीं है, फैन ऑन कर लो बाबू, फैन ऑन कर लो, एसी नहीं चलेगा, फैन तो चलेगा, खिड़की चला, खिड़की ऑन कर लो, फैन ऑन कर लो, हाँ खिड़की भी तो ऑन होगा, खिड़की ऑन करो, खिड़की भी ऑन कर लो और फैन भी ऑन कर लो, खिड़की ऑन कर लो, फैन ऑन कर लो, मन को मौन कर लो। नहीं घूम रहा है आपकी, उन्हें उस वक्त आवाज आएगा, हावे खाने आई हो तो पढ़ने आई हो, ए वो तीन को देखते पंखे चला, जल्दी लिखो। अलग अलग प्रकृति के लोग हैं क्लास में, कुछ लोग पंखे पे देखते हैं ओ, फिर एसी, कुछ लोग कैमरे बहुत ही निहारते हैं, कुछ लोग को लगता है कि अब सब कुछ तो है, 5-6 बोतल पानी धसा देना है, 3-4 बार निकलेंगे पानी लाएंगे, अलग अलग प्रकृति लोग हैं।
बहुत देर से कटा हुआ है क्या? कुछ गड़बड़ी हुआ है क्या? वहाँ ऑफिस में कटा हुआ है? अच्छा, वो अलग फेज है। चलो जी, तीनों में अंतर क्या है जल्दी बोलो। बी मीन स्क्वायर और रूट मीन स्क्वायर में क्या अंतर है? मीन कैसे निकालते हैं? मान लो हम 8 बजे 6 रोटी खाए, फिर भूख लग गया 10 बजे 10 रोटी खाए, दोपहर में 15 रोटी खाए, फिर 3 बजे भी 2 रोटी खा लिए, शाम में 6 बजे फिर खाए 4 रोटी, बोल एवरेज रोटी कितना खाए? सबको जोड़ देंगे, कितना बार खाए उतना से डिवाइड दे देंगे। हम बोलेंगे एवरेज वैल्यू का स्क्वायर बताओ, जितना खाए पहले उसको स्क्वायर कर लेंगे, फिर जोड़ के उतना से डिवाइड दे देंगे। हम बोलेंगे रूट मीन स्क्वायर बताओ, सबसे पहले कितना रोटी खाए बारी बारी से उसका स्क्वायर कर लेंगे, फिर जोड़ देंगे कितना बार खाए डिवाइड दे देंगे और कहाँ बंद कर देंगे। क्लियर? आप सोचो रूट मीन स्क्वायर क्यों आया, कुछ तो बात होगा, क्यों इतना कर रहे हैं भाई? काम तो और भी तरीके से हो सकता था। अरे हाँ बोलो ना यार, काम तो और भी तरीके से हो सकता था ना, क्यों आया? देखो ध्यान से, क्या मैं अंदर में मूव करने वाले का काइनेटिक एनर्जी निकाल सकता हूँ? हाँ या ना? नहीं निकाल सकते हैं। कितना होगा बोलो, बोलो काइनेटिक एनर्जी एक का बोलो ना, हाफ एम वन के एम बी स्क्वायर, दूसरे का कहाँ तक? हाफ एम, हाफ एम, श्योर? ये काइनेटिक एनर्जी एक का है कि पूरे सिस्टम का है? एक पार्टिकल ऑल पार्टिकल्स, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम कॉमन ले लें, अंदर क्या होता? श्योर? कहाँ तक बोला? मास एक का कि सब का? एक का कि सब का? एंसर मल्टीप्लाई करो, हाफ एम एन और यहाँ एन से डिवाइड कर लो, क्या है एन से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, ऐसे सोचो, ऐसे सोच सोच सोच। बी स्क्वायर आर एम एस क्या है? यही ना बी स्क्वायर आर एम एस? बोलो ना, ये बी स्क्वायर आर एम एस है कि बी आर एम एस है? बी आर एम एस, स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो बोलो बी स्क्वायर आर एम एस क्या है? बी वन स्क्वायर, बी टू स्क्वायर, कहाँ तक? बाय एन। आवाज नहीं आ रही यार, बोलो। सोच, इसको हम क्या लिख सकते हैं? बी स्क्वायर आर एम एस लिख सकते हैं। ब्रेकेट को हम क्या लिख सकते हैं जल्दी बोलो? ब्रेकेट यही ना है? अरे भाई काइनेटिक एनर्जी का ब्रेकेट यही ना है? इसके जगह क्या लिख सकते हैं? बी स्क्वायर आर एम एस की बी स्क्वायर आर एम एस इंटू एन, तो बोलो क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर आर एम एस इंटू एन ना, एम एन क्या हो जाएगा? टोटल मास, एम एन क्या हो जाएगा? श्योर? अरे बोलो, बोलो एम एन टोटल मास एम टी ना, क्या बचा? B-R-M-S.
रुक जाओ, क्यों पढ़ते हैं वी स्क्वायर आर एम एस, इसका फील देखो। काइनेटिक एनर्जी हाफ टोटल भी स्क्वायर आर एम एस से ही किसका फील आ रहा है? अंदर में पार्टिकल्स दूर दूर है ना, अंदर में पार्टिकल्स नंबर डेंसिटी प्रेशर टेम्परेचर वेलोसिटी टेम्परेचर ज्यादा मतलब काइनेटिक एनर्जी ज्यादा। याद करो डिफिनेशन, व्हाट इज टेम्परेचर? एनर्जी पर मॉलिक्यूल ऑफ द मीडियम। कौन एनर्जी? टेम्परेचर ज्यादा मतलब कौन एनर्जी ज्यादा? तो काइनेटिक एनर्जी किससे रिलेटेड है? सबका एवरेज मीन निकाले, मीन का स्क्वायर निकाले, स्क्वायर को रूट में डाले, तो एक कॉन्स्टेंट वैल्यू दे रहा है भाई। ये जो वैल्यू है ना, अगर मैं वी स्क्वायर आर एम एस ना निकालूं तो तुम्हें कैलकुलेशन करते करते प्राण त्यागने पड़ेंगे। एगो पार्टिकल है, अरे दूगो है, जितना भी हो एक डायरेक्शन में चल रहा है कि अलग अलग डायरेक्शन में चल रहा है? अंदर में डिफरेंट एक्स वाई जेड, कोई टकरा के तिरछा भी जा रहा होगा भाई, प्राण त्यागने पड़ेंगे। वी स्क्वायर आर में सारे वेलोसिटी को रिप्लेस करके आया है, रिप्लेस कर दिया ये सारे। बताओ सिंपल सोचो, दुनिया में कोई चीज वेरिएबल है? अनसिमेट्रिकल है। दुनिया में कोई चीज वेरिएबल है? अगर उसके बराबर हम कोई कॉन्स्टेंट वैल्यू ले आए, उसके बराबर हम कोई, दुनिया को समझाना किससे आसान है? जब उसके बदले वो सेम काम कर रहा है तो मैं क्यों नहीं इसको बताऊं? ऐसे ही पढ़ोगे करंट में, अल्टरनेटिंग करंट होता है आई आर एम एस। तुम्हारे घर में जो करंट आता है ना, वो आर एम एस करंट आता है। सोच हम बिजली का दुकान खोले, इसको ऐसे समझे, हम क्या खोले? सारे बिजली का दुकान खोलेगा यार। गुरु गए को चेला गए, बिजली का दुकान खोलोगे? बिजली के उपकरण का दुकान खोले हो या ना? सोच हमसे कोई पूछा कि इस वायर में या इस डिवाइस में कितना करंट आएगा, अगर हम उसको बोल दिए I not sin omega t आता है, क्या वो समझेगा? बोलो। हमारे घर में जो ट्रांसफार्मर से वोल्टेज आता है वो आता है वी नॉट साइन ओमेगा टी। क्या आता है? क्या आम आदमी समझ पाएगा? समझेगा आम आदमी? सामान ही नहीं लेगा, भाग जाएगा, कहेगा पागल है दुकान वाले क्या बोल रहा है। बोल। हम बोलेंगे कि हमारे घर में जो ट्रांसफार्मर से वोल्टेज आता है वो है वी नॉट साइन ओमेगा टी। तो आम इंसान समझेगा? आम इंसान को समझाने के लिए बनाया गया वी आर एम एस, और इसी को सॉल्व करके लाते हैं 220। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो एक कॉन्स्टेंट वैल्यू से रिप्लेस करते हैं, जो क्या होता है, तुम जो बोलते हो 220 वोल्ट है एसी, इसका मतलब वो आरएमएस वैल्यू होता है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। ये रूट मीन स्क्वायर वैल्यू एक कैलकुलेशन है जो आम आदमी को समझने के लिए बनाया गया। समझेगा भाई? पढ़ा लिखा तो समझ में नहीं करेगा, मुझे कहां समझेगा इस बात को? साला करंट का ये वोल्टेज होता है, हो तो नंबर में सुना है वोल्टेज 50 वोल्ट 40 वोल्ट 10 वोल्ट है ना, लेकिन रियल में आता है ऐसे पढ़ाएंगे 12th में? तुम्हारे वायर में जो करंट चल रहा है वो ऐसे चल रहा है, साइन फंक्शन। सोच साइन का ग्राफ हम थोड़ा आगे नहीं ले जाना चाहते, ऐसे चलता है करंट। बहुत मजा आएगा 12th में भाई, अभी अच्छा से मेहनत कर ले। बोल आम आदमी कौन समझेगा वी नॉट साइन ओमेगा टी की 220? 220 तो कोई भी समझ जाएगा भाई, अरे बोलना, कोई भी समझ जाएगा, कोई भी सरल पागल सब समझ जाएगा, क्योंकि कॉन्स्टेंट वैल्यू है ना। विशेष इसको कहां पढ़ेंगे हम लोग?
सेम टू सेम है 12th में पढ़ना, यहाँ क्या है VRMS, वहाँ क्या है IRMS, यहाँ वेलोसिटी का RMS वैल्यू है रूट मीन स्क्वायर, वहाँ करंट का RMS वैल्यू होगा। ये क्यों बनाया गया, क्यों? आसानी के लिए। एवो दुगो पार्किल है, अरे एवो डायरेक्शन है, सुना होगा केमिस्ट्री में ब्रोनियन मोशन, वही से टकरा के भागता है। क्लियर? हमने इसको आसानी से समझा के बोल रहे कि भाई टकरा भी रहा तो क्या बात है, कोई एक तो एक जगह भर रहा है, आसानी से प्रूफ हो गया है कि नहीं। सोच अगर हम ये बोलते कि नहीं जो इधर भागा उसका कैलकुलेट करो फिर इसका कैलकुलेट करो, तो प्राण से आगना पड़ेगा ना। ये वाला लिख लिए हो? लिखो जल्दी लिखो। इसको लिखो जल्दी। वी स्क्वायर आर में इसका फील्ड खत्म हो गया कि आने वाला है और आज जबरदस्त आएगा संडे को आते ही। जल्दी लिखो ना भाई, तुम लोग टाइम बहुत लेते हो। लगा ठंडा है? तो बैठने से पहले ना देख लेना स्विंग हो रहा है कि नहीं, नहीं हो रहा है तो जाके बोल देना ऑफिस में कि स्विंग नहीं ओपन हो रहा है ना। अब कर लो खिड़की बंद। हो गया जी? कोई कोई तो कहना चाहता कि लिख दीजिए मेरे बदले यार। हाँ अरे इसको समझा तो ले पहले। संडे को क्या स्टार्ट होने का चांस है, इसलिए मिस मत कीजिएगा, 10-15 दिन और मेहनत कीजिए, है ना? आए क्या क्या सारा इन्फॉर्मेशन बहुत जल्द नोटिस बोर्ड पे अपलोड होने वाला है, कौन कौन टाइम में 12th स्टार्ट होगा अपने हिसाब से सेट कर लेना, उसमें घुस जाना, है ना? क्योंकि बाद में 12th में टाइम चेंज नहीं होता, एक बार जो टाइम आप ले लिए, नहीं हम ऑफिस में सीधे बोले रहता कुछ नहीं सुनना है, होगा ही नहीं। अरे तो फिर एप्लीकेशन लिखो, कितना कहता एप्लीकेशन वो लिखने नहीं आता है, सही बोल रहे भाई। अरे कोई बहस में बदमाश जानते हो कि हम निकाल देते हैं तो बिना एप्लीकेशन का नहीं। अभी कुछ दिन पहले कोई पीटाया
हम ऑफिस में बोल देते हैं ये जो अनुशासनहीनता क्या अप्लीकेशन लिखवाया, गार्जियन आए, हम अप्लीकेशन पढ़े तो आनून मानून टानू कुछ लिख लेते। बाद में चोर में बैच चेंज करोगे तो अप्लीकेशन तो देना पड़ेगा। क्यों चेंज करना का तो क्या वजह है? क्यों ट्वेल्थ अलग चीज है भाई, सारा चीज सुधार के ट्वेल्थ में पहुंचोगे तुम लोग। पहले बोलो कानरे के नजीक क्या आया, हाफ मास की टोटल मास बी आर एम एस ना? क्यों बी आर एम एस आ रहा है, बात समझ में आ रहा है? अब ये चीज और खुलेगा कि खुल गया? कब? संडे को। अभी प्रेशर कितना लाए थे, 1/3 रो? क्या डेंसिटी को टोटल मास में वॉल्यूम लिख सकते हैं? क्या वॉल्यूम को इधर ला सकते हैं? पी मोमेंटम है कि यहाँ प्रेशर है? भाई दुनिया में एक आदमी का एक के, एक के नाम का एक के आदमी के बहुत आदमी है। पी से मोमेंटम है, पी से प्रेशर है, ये पी भी आए बोल, पी भी बराबर 1/3 टोटल मास। हम चाहते हैं कि फॉर्मूला काइनेटिक में बदल जाए। काइनेटिक एनर्जी क्या है, हाफ एम टी वी स्क्वायर आर में है ना? यार दो तो है नहीं, हम चाहते हैं अरे देखो जहाँ टोटल मास और वी स्क्वायर आर एम एस आ जाए वहाँ तो काइनेटिक एनर्जी आएगा ही। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, 1/2 टोटल मास वी स्क्वायर आर एम एस। तो हम क्या कि ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे 2 से डिवाइड कर दिया, ताकि 2 से 2 कट के यही रहे। लेकिन ऐसा करने से क्या हुआ, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा ना। देखो ना काइनेटिक एनर्जी इस फॉर्म में लाने के लिए 2 घट रहे ना भाई, 2 से डिवाइड तो 2 से मल्टीप्लाई भी ना, ताकि इक्वेशन को कोई फर्क। ये पूरा क्या है काइनेटिक, ये पूरा क्या है, इसके जगह क्या लिख दिए बोलो, पी भी बराबर 2/3 बोलो, पी भी पाव भाजी प्रेशर इंटू वॉल्यूम। सोच के ही क्या होगा, 2/3 इधर आके पलटी मराएगा, बोलो काइनेटिक एनर्जी 3/2 अरे पलटी मराएगा ना। आप पी भी बराबर जहाँ टी क्या है, टेम्परेचर। देख प्रूफ हो गया ना, काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर ही है। 3/2 क्वेश्चन, 3/2 नंबर ऑफ मोल क्वेश्चन, आर क्वेश्चन, क्या काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर है? इसलिए बोलते हैं कि जितना ज्यादा एनर्जी उतना ज्यादा टेम्परेचर। टेम्परेचर ज्यादा मतलब कौन एनर्जी, पोटेंशियल की काइनेटिक। यही बात पहला दिन समझाए तो जो आज प्रूफ हो गया है ना, खिला गया ना। संडे को यहीं से आगे पढ़ेंगे, क्लियर। संडे का मतलब कल भी क्लास है, जो कल के अल्टरनेट में हो कल आइए, फिर संडे को तो कॉमन है, क्लियर। अपने अपने रूटीन में आइए।